के हित में सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है। आपको बता दें कि जनपद सहजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना के विरुद्ध में जल्द होगी जीत। ये बात प्रदेश के विद्य संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने हनुमंत धाम में जनपद की सीएचसी पीएचसी हेतु 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को वितरण करने के दौरान कही। इसके उपरांत उन्होंने नवनिर्मित टीकरी पीएचसी का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। कैबिनेट मंत्री ने नवनिर्मित पीएचसी में सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण भी किया। इसी क्रम में उन्होंने कैंट स्थित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। खदरा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। योगी सरकार ने इस कोरोना की घड़ी में भी विकास कार्यों की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। उन्होंने इस कोरोना की घड़ी में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर प्रतिबंध लगाकर जनता को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए हर स्तर पर कार्य किया है। सरकार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 माह के लिए प्रति माह प्रति यूनिट 3 किलो गेहूँ तथा 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इससे प्रदेश की प्रति माह लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लंभावित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। इस अवसर पर नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, वित्त, राजस्व आदि अधिकारी उपस्थित रहे।